लेट्स लुक एट एग्रीगेट प्लानिंग स्ट्रेटजीज अब इसके अंदर हमारे पास दो ऑप्शन uh, होते हैं जिनको हमने यू, यूज करना होता है वन इज कैपेसिटी ऑप्शन के कैपेसिटी को हम किस तरह हैंडल करें और दूसरा है डिमांड ऑप्शन के डिमांड को हम किस तरह हैंडल uh, करें बेसिकली uh, फोरकेस्ट अगर डिमांड की दी हुई है तो उसके अंदर हमने बेसिकली uh, प्लानिंग uh, होराइज़न uh, देखना है और उसके अंदर ईच पीरियड जो प्लानिंग होराइजन है उसको डिटरमिन करना है uh, इसके अंदर जो पीरियड हमारा प्लानिंग होराइज़न के अंदर है ईच पीरियड फॉर एग्जांपल हम uh, प्लानिंग होराइज़न हमारा साल का है तो उसमें हमने मंथली uh, पीरियड्स डिटरमिन किए हुए हैं तो हम उसके अंदर प्रोडक्शन लेवल ईच मंथ क्या होगा वो डिटरमिन करना है उसकी वजह से हमारी इन्वेंट्री लेवल क्या होगा वो एग्रीगेट प्लान के अंदर आ जाएगा कैपेसिटी लेवल क्या होगा कितने वर्कर्स काम कर रहे होंगे सो दैट वी द फर्म्स प्रॉफिट तो ये हमें इस प्लान के जरिए ये हमें चाहिए होता है डिटर्मिन करना और इसके अंदर हम स्पेसिफाई करते हैं कि प्लानिंग होराइजन ये जो हमने प्लान डेवलप करना है ये कितने पीरियड के लिए करना है बिटवीन मंथ्स मंथ्स टू तो उसके अंदर लट से हम कहते हैं कि हमने साल के लिए डेवलप करना है तो फिर साल के लिए जो डेवलप करना है उसका पीरियड हमने ब्रेकडाउन क्या होगा ड्यूरेशन क्या होगा विल इट बी मंथली और वीकली क्योंकि वीकली भी डेवलप किया जा सकता है बट यूजली एग्रीगेट प्लान हम मंथली डेवलप uh, करते हैं uh, और इसके अंदर फिर हमें ये भी देखना होता है कि हमें इस प्लान को डेवलप करने के लिए कौन सी हमें इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड होगी की इंफॉर्मेशन जिसके बेसिस के ऊपर हम फिर ये प्लान डेवलप uh, कर सकें उसके अंदर प्रोडक्शन uh, का रेट होगा वर्कर्स uh, का टाइम कितना दे सकते हैं एंड सो ऑन इसके अंदर ये सारी चीज़ें हमें इंफॉर्मेशन uh, कलेक्ट करनी होती है और कैपेसिटी ऑप्शन के अंदर अगर हम देखें तो इट इज़ यूजली अ ट्रेड ऑफ़ बिटवीन द कैपेसिटी के वर्कर्स वगैरह कितने हैं ये इंक्रीज करें डिक्रीज़ करें इन्वेंट्री कितनी होगी बैकलॉग लॉस सेल्स क्या होंगी तो ये इनका ट्रेड ऑफ्स होता है चेज़ स्ट्रेटजी हम यूज़ करते हैं जहाँ हम हायरिंग फायरिंग uh, को यूज़ uh, कर कर कैपेसिटी को एज ए लीवर हम यूज़ करते हैं और उसके बेसिस पर डिमांड मीट करते हैं टाइम फ्लेक्सिबिलिटी के अंदर हम वर्कफोर्स uh, uh, की यूटिलाइजेशन को हम यूज़ करते हैं कि ओवर टाइम अंडर टाइम के बेसिस के ऊपर डिमांड मीट करें लेवल स्ट्रेटजी के अंदर हम इन्वेंट्री uh, को एज अ लीवर यूज़ करते हैं और इन्वेंट्री से हम डिमांड मीट करते हैं बट द बेस्ट इज मिक्स स्ट्रेटजी जो कि ऑफ थ्री प्योर स्ट्रेटजीज होती है डिमांड ऑप्शन के अंदर बेसिकली हम एक तो ये तरीका है कि डिमांड अगर कम है हमारे पास कैपेसिटी ज्यादा है तो हम डिमांड को इन्फ्लुएंस करें एडवर्टाइजिंग uh, और प्रमोशन के जरिए उसको इंक्रीज करें डिमांड uh, को शिफ्ट करें टू स्लो पीरियड्स यानी कि जहां कम डिमांड है उस तरफ उसको पुश करने की कोशिश करें मे नॉट बी सफिशेंट टू बैलेंस डिमांड एंड कैपेसिटी उसके अंदर आपको कुछ और चीजें ऐड करनी पड़ेंगी फॉर uh, एग्जांपल हम बैक ऑर्डरिंग को यूज कर सकते हैं ड्यूरिंग हाई डिमांड पीरियड के डिमांड पीरियड हाई है तो हम जो हमारे ऑर्डर्स हैं उनको थोड़ा हम बैक ऑर्डर कर दें और लो डिमांड पीरियड के अंदर उसको मूव कर दें इसके अंदर बैक ऑर्डर अगर हम करते हैं तो आ, आपका जो गुडविल है वो लूज हो सकती है लेकिन अगर सब्सिट्यूट कुछ ज्यादा नहीं है तो फिर उसके अंदर गुड विल लूज़ करने के चांसेस कम हो जाते हैं क्योंकि uh, उसके अंदर कस्टमर जो है वो दूसरी तरफ नहीं जाता क्योंकि उसके जो आपका प्रोडक्ट है उसका सब्सिट्यूट इतने नहीं है तो वो आराम से थोड़ा हैंडल हो जाता है बट यूजली इसके अंदर हम बैक ऑर्डर करते हैं तो हम सेल्स uh, लूज़ uh, कर लेते हैं कर जाते हैं डिमांड uh, ऑप्शन के अंदर अगर हम और देखें तो उसके अंदर एक और है कि हम काउंटर सीजनल प्रोडक्ट एंड सर्विस की मिक्सिंग कर लें फॉर एग्जांपल हम ऐसा प्रोडक्ट मिक्स डेवलप करें जो कि डिफरेंट सीजन का के अंदर हम डिफरेंट प्रोडक्ट प्रोड्यूस करें सेम फैसिलिटीज में फॉर एग्जांपल uh, हम कह सकते हैं कि लॉन लॉन् जो हम घास काटने की मशीन है uh, वो और दूसरा स्नो मोबाइल अब ये दो प्रोडक्ट्स हैं जिसके अंदर इंजन वगैरह लगता है और उसका थोड़ा सा चेंज कर कर आप प्रोड्यूस कर सकते हैं तो एक ही फैसिलिटी के अंदर दोनों प्रोड्यूस हो सकते हैं तो वो उसको यूज़ किया जा सकता है बट द प्रॉब्लम इज के इट इज़ पॉसिबल के जी आपका जो प्रोडक्ट आप दूसरा ले रहे हैं आ, जो दूसरे सीजन का प्रोडक्ट है वो आपकी कंपनी के एरिया ऑफ एक्सपर्टीज़ में ना फॉल करता हो अगर वो नहीं करता तो फिर प्रॉब्लम हो सकती है क्वालिटी वगैरह अफेक्ट हो सकती है तो लेकिन दिस इज़ एन ऑप्शन जो कि कंपनीज यूज़ करती हैं टू मीट सीजनल डिमांड के जो लो सीज़न का टाइम पीरियड है उसमें दूसरा प्रोडक्ट जो उस सीज़न का हाई डिमांड होती है वो फिर प्रोड्यूस करते हैं